नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संजय पटेल फ्रॉम स्कूल क्लासेस। आज इस वीडियो में टेंस के बारे में हमको बताने जा रहे हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस पर आप क्या असर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे टेंस का निगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग क्यों किया जाता है, आखिर में डू डज को क्यों लिया गया। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में गाइस क्या होता है। नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संजय पटेल फ्रॉम स्कूल क्लासेस। देखिए आज इस वीडियो में टेंस के बारे में आपको टेंस का अगला पॉइंट बताएंगे। ऐसे पिछले क्लास में आपको पिछले वीडियो में टेंस का इंट्रोडक्शन, टेंस क्या होता है इसके बारे में समझा चुके हैं। टेंस पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए अभी बताएं। आज देखते हम लोग टेंस में स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका निगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डब्ल्यू एच कैसे बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये देखिए आपके सामने है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वास्तविक में स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस सब्जेक्ट। ठीक है सर, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वास्तविक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट वी वन वी फाइव प्लस सब्जेक्ट। अब वी वन क्या है, वी वन से वी फाइव क्या होता है यह देखने के लिए आपको जानने के लिए पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उस वीडियो में जाकर अच्छा से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वी वन क्या होता है और वी फाइव क्या होता है। फिलहाल आपको बता दें वी वन का मतलब द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का जो पहला रूप होता है ना, वर्ब का जो पहला रूप होता है कोई भी वर्ब का, उसको हम वी वन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वी वन का दूसरा नाम यदि कहे तो वह होता है प्लुरल। प्लुरल का मतलब एक से ज्यादा होता है। या वी फाइव जिसको हम लोग सिंगुलर के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे गो का वी फाइव क्या होगा, गोज होगा। अब यह कैसे बना, कम का कम्स, कट का कट्स, या कैसे बना, किस तरीका से वी वन से वी फाइव बनता है, इसको देखने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहां समझिए सब्जेक्ट वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान के हैबिट को बतलाने के लिए, वर्तमान की आदत को बतलाने के लिए करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह पीता है, वह रोता है, वह हंसता है, वह खेलता है, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। ऐसे हिंदी में पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है। देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दें। हम बोले वह पढ़ता है। देखिए वह पढ़ता है, यह आपका एक टेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला, वह पढ़ता है, पढ़ने का काम वह करता है कब, तो पढ़ता है वर्तमान में, और वर्तमान में यह क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, क्योंकि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता तेति होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। अब देखिए पढ़ता है कौन, वह, वह का हम लिख दिए ही। पढ़ना का क्या चीज, पढ़ना का होता है रीड। अब देखिए यहां पर जो ही है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात जो अकेले होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वी फाइव, और वी फाइव बनाने के लिए अंत में हम क्या लगा दिए, यस हो गया ही रीड्स, वह पढ़ता है, यह सिंपल हुआ। अब देखिए इसके बाद हम इसका निगेटिव बताए, जैसे वह नहीं पढ़ता है तो आप बोलेंगे ही डज नॉट रीड। इसका निगेटिव का पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस Do या does plus not after that वी वन plus subject। देखिए आप डीपली समझेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट या सिंपल प्रेजेंट का क्या हुआ, निगेटिव हुआ। देखिए अभी तक आप इस बात पर क्लियर नहीं किए होंगे कि आखिर में सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के बाद डू और डज का प्रयोग क्यों करें। डू और डज क्या है इसके बारे में समझते हैं हम लोग पहले। डू और डज के बारे में
ठीक है, डू डज सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए क्यों क्या, तो कोई स्टूडेंट बोला हमसे कि सर सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए डू डज का ही प्रयोग किया जाता है, हम बोले क्यों, इसका कारण समझिए। डू डज क्या है, देखिए यहां पर डू डज के बारे में समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देखिए डू डज, देखिए जो डू है इसका यूज किस रूप में होता है, यह क्या है। डू दो तरीका से यूज किया जाता है, एक मेन वर्ब की तरह, दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह। डू मेन वर्ब की तरह यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब हम आपको बताएं कि सर यहां पर डू डज का प्रयोग क्यों होता है, किस लिए होता है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सर हेल्पिंग वर्ब तो 24 होता है, टोटल आपका 24 हेल्पिंग वर्ब, टोटल कितना आपका 24 हेल्पिंग वर्ब। अब यह 24 कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है इसको जानने के लिए आपको वर्ब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वर्ब में आपको डीपली मिलेगा यह 24 हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे फिलहाल आपको बता देते हैं, जैसे एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट और टू डेयर नीड यूज्ड टू, यह टोटल आपका 24 हेल्पिंग वर्ब होता है। तो क्वेश्चन है कि सर हम 24 हेल्पिंग वर्ब में से आखिर में डू डज को ही क्यों लिए, ये जो 22 आपके सामने बच गया उसको हम क्यों नहीं लिए, इसका निगेटिव बनाए, हम सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाए, हम डू डज का प्रयोग किए, डिड का प्रयोग क्यों नहीं किए, एम इज आर का प्रयोग क्यों नहीं किए, एम इज आर के बाद भी तो नट लगता है, वाज वर्ब के बाद भी लगता है, डिड के बाद भी लगता है, शैल कैन कुड मे माइट सबके बाद नट लगता है, आखिर में उस सब को हम क्यों नहीं लिए। अब देखिए यहां समझिए, ये जब डू होता है मेन वर्ब की तरह तो इसका अर्थ निकलता है करना, क्या निकलता है करना, इसका अर्थ होता है अनुवाद करना, अनुवाद करना इसका, क्या जी डू का मतलब अनुवाद करना भी होता है, करना भी होता है। ऐसे जब डू हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसका कोई हिंदी में वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है, इसका हिंदी कुछ नहीं होता है। जब डू हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तब, जब यह मेन वर्ब की तरह काम करेगा इसका हिंदी करना होगा, अनुवाद करना होगा, और बहुत सारा हिंदी है, इसके बारे में हम लोग डीपली अगला भर में चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए इससे हमको पता चले कि डू का मतलब करना होता है या फिर अनुवाद करना, और डू का मतलब हेल्पिंग वर्ब काम करेगा उसका हिंदी नहीं होगा। अब देखिए जैसे हम बोले आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, देखिए मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर मैं आई का हिंदी हो गया, इंग्लिश का ये आई हिंदी हो गया, बोले कि नॉट क्लियर नहीं हो गया, पढ़ता हूं रीड हो गया, डू का हिंदी निकला नहीं निकला, इसका मतलब डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसको हम नहीं समझेंगे, हम आपको बता रहे थे यहाँ पर डू और डज का ही प्रयोग क्यों किया गया, आखिर में 22 हेल्पिंग वर्ब हम लोगों के सामने है उसका प्रयोग क्यों नहीं किया। अब देखिए डू एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके पास कुछ अलग क्वालिटी होता है 22 हेल्पिंग वर्ब से, अगर हम 22 हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर रखते हैं तो क्या सिचुएशन आता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। आप बोलेगी सर यहाँ पर ए बी जर रखिए, एम इज आर उसके बाद नोट लगा दीजिए, क्योंकि एम इजार के बाद नोट लगता है, हम एम इजार के बाद नोट लगा दें। अब देखिए यहां पर आप टेंस देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट का जो वास्तविक स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट V1 V5 प्लस सब्जेक्ट, किसी भी कंडीशन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां करें एम इज आर प्लस नॉट, सही हो गया, तो एम इज आर क्या हो गया, आप बोलेंगे सर या तो सिंगुलर होता है V5 के रूप में हो गया, और या V1 के रूप में हो गया, और तो आई के साथ तो एम लगता है, या V1 हो गया, V5 या V1 हो गया, इसके बाद नॉट लगा दिया। अब इसके बाद यदि आप V1 लगाते हैं तो यह गलत हो जाता है, यहां तक सही है कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आप लगा दिए, नॉट लगा दिए, लेकिन जब इसके बाद आप V1 लगाते हैं यह यहां पर जाकर गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि एम इज आर एक ऐसा वर्ब है जिसको हम लोग वर्ब टू बी के अंतर्गत रखते हैं, एम इज आर को
हम लगते हैं हम लोग वर्ब टू बी के अंतर्गत, और वर्ब टू बी के अंतर्गत पांच वर्ब होता है, तीन हो गया एम इज आर, और दो आपका होता है पास्ट में जिसको वाज और वर के नाम से जाना जाता है, वाज और वर, एम इज आर और वाज वर। एम इज आर वाज वर के बाद दो कंडीशन होता है, यहाँ पर यदि एम इज आर आप लिखे हैं तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा या तो भी थ्री या भी फोर, एम इज आर के बाद या तो भी थ्री लगाएंगे या फिर भी फोर लगाएंगे। अब यह क्वेश्चन दिया कि सर भी थ्री का प्रयोग कब करेंगे और भी फोर का प्रयोग कब करेंगे, तो एम इज आर का प्रयोग एक्टिव वॉइस में या भी फोर होता है और एम इज आर के बाद पैसिव वॉइस में भी थ्री का प्रयोग होता है। तो अगर हम यहाँ पर भी फोर का प्रयोग कर देंगे तो चूंकि सिंपल प्रेजेंट में डू डैच के बाद हमको क्या चाहिए, नॉट और नॉट के बाद भी वन चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिए भी फोर, इसलिए सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए हम एम इज आर का प्रयोग नहीं किए। और दूसरा क्वेश्चन कि सर वाज वर्ब का प्रयोग नहीं किया, चलिए वाज वर्ब का प्रयोग देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब कर दिए, प्लस नॉट लगा दिए, फिर भी फोर, तो इसके साथ भी वही कंडीशन हुआ कि अगर हम सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लिखते हैं फिर नॉट लिखते हैं तो आप बोलेंगे सर यह वाज तो भी फाइव के रूप में काम किया या भी वन के रूप में काम किया और नॉट भी लगा दिए, लेकिन यहाँ आइए सर, यहाँ जब आए हम लोग आगे बढ़े तो भी फोर, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में क्या चाहिए भी वन चाहिए, इसलिए क्या हुआ यह गलत हुआ, अर्थात एम इज आर और वाज वर के बाद हम नॉट लगाए, यहाँ भी फोर आने के कारण इसका निगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज नहीं किया गया। अब सर कहेंगे सर हैव एज कर लीजिए, आते हैं देखते, ठीक है डीपली आपको समझना है तो मन से तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, सर अब हैव हैज क्यों नहीं लगाया सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट लगा देते उसके बाद भी वन लिख देते, उसके बाद क्या लिखते भी वन। अब सुनिए कहानी हैव हैज का, ये जो हैव हैज है इसका कहानी यह है कि जो हैव वास्तविक में हैव होता है, हैज तो क्या जो उसका भी फाइव है, तो आप लेंगे सर या तो भी वन हो गया या भी फाइव हो गया, भी वन हो गया भी फाइव हो गया, क्या हुआ भी वन हो गया भी फाइव हो गया या भी वन भी फाइव या नॉट लगा दिए नॉट लगा दिए। अब यहां आता है यहां बात कि अगर किसी सेंटेंस में हैव हैज दिख जाता है और उसके बाद कह दे भर भरना है तो भर हमेशा क्या होता है भी थ्री के, क्या होता है भी थ्री, और यहाँ भी वन का प्रयोग करना था इसलिए क्या हुआ गलत, अर्थात हैव एज के बाद भी थ्री आएगा इसलिए सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज निगेटिव बनाने के लिए नहीं किया गया, चूंकि यह हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यह सिंपल प्रेजेंट में यूज नहीं होगा। बाकी बात हैव हैज की कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, हैव हैज की कहानी बहुत लंबा है, इसको जाने के लिए क्या जी अगले वीडियो हम लोग वर्ब के बारे में समझेंगे, जब जब वर्ब वाला वीडियो आपके सामने आएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हैव हैज क्या है, मेन वर्ब किस रूप में काम करता है। देखिए हैव हैव का मतलब खाना होता है, हैव का मतलब रखना होता है, हैव का मतलब पास होता है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, हैव एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो हैव यदि मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, और यदि हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, इसको जानने के लिए हम लोग वर्ब चैप्टर में समझेंगे, फिलहाल समझिए यहाँ पर तो इसको हम प्रयोग नहीं किए क्योंकि इसका प्रयोग करते तो क्या हो जाता भीतरी लगाना पड़ता। अब आप बोले कि सर डीड लगा देते आप, चलिए हम डिड लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस क्या कर देते हैं नॉट हो गया प्लस भी वन हो गया, यह बात सही है कि डिड के बाद भी वन आएगा, डिड के बाद भी वन आएगा, लेकिन जो डिड आप देख रहे हैं ना यहाँ पर डिड यह भी टू के रूप में काम कर रहा है, यहाँ क्या होता है डिड भी टू के रूप में काम करता है और कभी कभी डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, डिड भी टू की तरह भी काम करता है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, तो अगर हम डिड लगा देते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड क्या भी टू हो जाता, भी टू का मतलब सिंपल पास्ट का बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में डिड का प्रयोग हम नहीं किए निगेटिव बनाने के लिए क्योंकि यह भी टू के रूप में काम कर रहा है, हमको सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए या तो भी वन या भी फाइव या तो भी टू हो गया, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कि सर बोलेंगे मॉडल एक्चुअली भर कैन कर सकते थे, कुड कर सकते थे, मे कर सकते थे, माइट और टू डी आर यू टू कर सकते थे, क्योंकि इसके बाद क्या लगाते हैं आप नॉट, उसके बाद भीवन लगाते हैं, लगाते ना जी किसी भी मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद शैल शुड कैन कुड मे माइट और डेयर नीड यूज टू के बाद आप भीवन का प्रयोग करते हैं या भीवन का प्रयोग हम कर दिए, तो निगेटिव बनाने के लिए यदि हम ऐसे कर देते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस भीवन तब क्या होता, तब यह होता है कि कैन तो आप भीवन के रूप में मान लेते तो इसका भीवन क्या करेंगे जी
कैन आपका वी वन है, बाय द वे कैन क्या आपका वी वन है, तो इसका वी फाइव करने के लिए क्या करेंगे आप, कैन स्पेस लगा देंगे, क्या वी फाइव बन जाएगा, नहीं बनेगा। हाँ, तो कैन के बारे में भी समझने के लिए हम लोग को एक अलग चैप्टर आपको मॉडल एक्चुअली वर्ब अर्थात वर्ब के अंतर्गत चैप्टर मॉडल एक्चुअली वर्ब पढ़ना पड़ेगा कि कैन क्या वी वन के रूप में काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकते। हाँ जी, कैन एक ऐसा वर्ब है जो कि वी वन के रूप में काम करता है, कैन एक नाउन की तरह भी काम करता है और कैन एक मॉडल एक्चुअली वर्ब की तरह काम करेगा। फिलहाल आपको बता दें यदि कैन का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह करेंगे इसका हिंदी हो जाएगा स्कूल से निकालना या फिर दफ्तर से निकालना। अगर कैन का प्रयोग हम मॉडल एक्चुअली वर्ब की तरह करते हैं तो इसका हिंदी होता है सकता या सकती। अगर कैन का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो इसका हिंदी होता है ढक्कन, बाल्टी या डोलची। इस प्रकार कैन के जाने के लिए मॉडल एक्चुअली वर्ब समझेंगे। अब यहां देखिए, हम आपको बताएं कि आखिर में डू डज का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह वी वन के रूप में या वी फाइव के रूप में काम करता है और सब्जेक्ट के बाद जो वी वन वी फाइव के रूप में काम करेगा वह सिंपल प्रेजेंट के रूप में होता है, इसलिए हम डू डज का प्रयोग किए, बाकी किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग निगेटिव बनाने के लिए नहीं किए। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव हो गया। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। निगेटिव आपको बता रहे थे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, क्या हुआ वह नहीं पढ़ता है। सबसे पहले वह क्या लिखेंगे, ही। अब कहें कि डू या डज, बोले कि जिसके साथ इज लगाते हैं उसके साथ डज, क्या हुआ डज। फिर क्या लिखेंगे आप, नॉट। अब पढ़ना का क्या होगा, रीड। अब एक और क्वेश्चन आया, बोले कि सर यहां पर रीड में एस नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक बार जब सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब को चेंज कर चुके हैं तो दोबारा आप चेंज नहीं करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है डू डज के बाद अगर आपको वर्ब लगाना है तो हमेशा ही हमेशा वी वन का प्रयोग करेंगे और रीड यहां पर वी वन की तरह कार्य कर रहा है, तो वह नहीं पढ़ता है, इसका इंग्लिश होगा ही डज नॉट रीड। आप चाहे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ही डजंट रीड, ही डजंट रीड आप लिख सकते हैं इस प्रकार, ही doesn't read, वह नहीं पढ़ता है। यह हुआ सिंपल प्रेजेंट का पहला स्ट्रक्चर और उसका निगेटिव कैसे बना, आखिर में हम डू डज का प्रयोग क्यों किए। अगर डू डज के बदले 22 हेल्पिंग वर्ब को लिया जाए, टोटल 24 में से डू डज को निकाल दिया था, 22 हेल्पिंग वर्ब को लेते तो कैसा सिचुएशन आता आपके सामने बताए। फिलहाल हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसका इंट्रोगेटिव के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल यूजफुल क्लासेस को सब्सक्राइब किए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला नोटिफिकेशन, अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू, धन्यवाद।